ये इवेंट रिकॉर्डेड है और इस इवेंट की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। टू डिस्कस दिस टॉपिक वी हैव इनवाइटेड मिस्टर अमित ग्रोवर फ्रॉम डीएसपी म्यूचुअल फंड्स। मिस्टर अमित हैज बीन वर्किंग एज अ हेड लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स विद डीएसपी सिंस 2017। मिस्टर अमित इज अ सीएफए लेवल 3 कैंडिडेट एंड अ मैकेनिकल इंजीनियर विद एमबीए इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस और वो 16 वर्षों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। अमित जी ने इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, बिहेवियर फाइनेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेल्स और फाइनेंशियल प्लानिंग्स जैसे टॉपिक पर 1000 से भी ज्यादा ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हैं। तो अब मैं अमित जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो इस सेशन को आगे लेके जाएं। ओवर टू यू अमित जी। थैंक यू। सो गुड इवनिंग ऑल पार्टिसिपेंट्स, वेलकम फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। जब हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे ये मार्केट्स के व्यू के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम मिलेगा तो उसके बारे में बात कर लेंगे। बिकॉज प्रिंसिपल्स क्यों बात करना चाहते हैं, बिकॉज ये टाइमलेस होते हैं। जो 100 साल पहले प्रिंसिपल्स थे वही प्रिंसिपल्स आज भी रहेंगे पैसों को लेके, और वही प्रिंसिपल्स अगले 10, 20, 50 सालों के लिए भी रहेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अंडरस्टैंडिंग द व्यू कि अगले 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने में क्या होगा। So let us start with something which is very fundamental or very basic. Generally, मैं जब travel करता हूँ across the country, the first question जो mostly partners, distributors और client भी पूछते हैं कि हमारे यहाँ के clients दिल्ली के clients, बॉम्बे के clients से कैसे different हैं, या गुजरात के clients, चेन्नई के clients से कैसे different हैं। When it comes to money and money management, the rules of personal finance are exactly the same. आप दुनिया में किसी कोने में क्यों नहीं रह रहे हो, मनी इज अ वेरी इमोशनल सब्जेक्ट। जो मनी को लेके ग्रीड, फियर, डर, एंग्जाइटी और जो पर्सनल प्लानिंग को लेके जो कंफ्यूजन होती है, इट इज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जब हम रूल्स की बात करेंगे, दीज आर यूनिवर्सल रूल्स। ये आप पे भी अप्लाई होते हैं, मुझ पे भी अप्लाई होते हैं, कोई गरीब पर्सन पे भी अप्लाई होते हैं, अमीर पर्सन पे भी अप्लाई होते हैं। द रूल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस आर एग्जैक्टली द सेम। और रूल्स समझने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि हमारा मुकाबला किसके साथ है, हुम आर वी एक्चुअली फाइटिंग फॉर, हम किसको हराना चाहते हैं। जनरली हम सोचते हैं कि दुश्मन कोई हमारा एक्स, वाई और जेड है, बट एक्चुअली एक दुश्मन हमारा एक इनविजिबल चीज है जिसको महंगाई बोलते हैं। और महंगाई को समझाने का मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण लेता हूं। पहले आई एम श्योर वी ऑल लव मूवीज, जब सब कुछ ठीक ठाक ओपन हो जाएगा, आई एम श्योर द फर्स्ट थिंग विच विल डू इज गो विद योर फैमिली एंड वॉच ए मूवी। Just rewinding back, it's a very iconic movie called as Diwar. It was released in 1975. 3 rupees की movie ticket थी। हम सब जब जानते हैं theater में आज movie देखने जाएंगे, ticket 300 rupees से कम नहीं होती है। 45 years में 3 rupees 300 rupees बन गया है। I have seen a lot of investors जो बोलते हैं मेरा ना retirement corpus अगर 2 crore बन जाएगा ना, I'm sorted, okay? 2 crore ही चाहिए life में, उसके बाद मेरी retirement एकदम solve हो जाएगी। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा कि 2 crore जो लोग सोचते हैं ना सफिशिएंट हो जाएगा, शायद आपकी बेसिक नीड्स भी सफिशिएंट नहीं कर पाएगा। और इसका मैं उदाहरण आपको एक बहुत ही सिंपल मैथ्स और गणित के साथ करने की कोशिश करता हूं। लेट्स से देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रूल, इट्स कॉल्ड द रूल ऑफ 72। 72 का मतलब क्या है, 72 डिवाइडेड बाय अ गिवन परसेंटेज, उतने सालों में चीज डबल हो जाती है। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर इंटरेस्ट रेट या फॉर एग्जाम्पल महंगाई 9% पे है, 72 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 8, मतलब 8 साल में चीजों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। लेट्स से एक पर्सन लेते हैं, उसका नाम अमित है, उसकी उम्र लेट्स से 30 साल की है, ओके? और इसे लगता है कि जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा ना, 2 crore का कॉर्पस एकदम सफिशियंट है। बिकॉज हम सबको लगता है 2 crore का कॉर्पस अगर बन जाएगा, उस 2 crore को अगर हम बैंक में भी रख देते हैं और अगर 6% ब्याज भी बन जाता है, 2 crore पे 6% ब्याज, ओके, अप्रोक्सीमेटली 12 lakh rupees हो जाता है। 12 lakh डिवाइड बाय 12 months, तो महीने का 1 lakh rupees मिल जाएगा। 1 lakh महीना अगर किसी को मिल जाए तो हमारा गुजारा तो आराम से चल जाना चाहिए, ओके, दैट्स बिकॉज हमारे खर्चे उतने नहीं है। तो अमित 30 years की उम्र में सोच रहा है कि मेरा अगर 2 crore कॉर्पस हो गया ना तो सब कुछ सॉर्टेड है। बट एक्चुअली अमित ने अपनी कैलकुलेशन में सबसे बड़ी गलती ये की
कि उसने महंगाई को समझने की कोशिश नहीं की. लेट्स से एक सिंपल उदाहरण लेता हूं. एक हार्ट का ऑपरेशन, उसका कॉस्ट आता है 5 लाख रुपीज. ओके, और अगर मैं एज्यूम करता हूं कि महंगाई 8% से ग्रो होती है, सॉरी 9% से ग्रो होती है, इसका मतलब हर 8 साल के बाद ये पैसा डबल होता जाएगा. मतलब 30 साल में 5 लाख रुपए लगे, 38 इयर्स में ये वैल्यू बन जाएगा 10 लाख, 46 की उम्र में ये बन जाएगा 20 लाख, 54 की उम्र में बन जाएगा ये 40 लाख, और 64 की उम्र में बन जाएगा 80 लाख रुपया. तो जो उसको लग रहा था ना कि 5 लाख रुपया जो आज मेरी एक नॉर्मल हार्ट का ऑपरेशन जिसमें 5 लाख रुपए लग रहे थे, एट द एज ऑफ 64 वही हार्ट का ऑपरेशन 80 लाख रुपए में होगा. वो आज सोच रहा था कि मेरे पास 2 करोड़ रुपए कॉर्पस सफिशिएंट होगा, 2 करोड़ में से अगर 80 लाख रुपए एक ऑपरेशन में लग जाएंगे तो उसके पास बचेगा क्या. और लाइफ में इसके अलावा तो और हजारों तकलीफें और भी आएंगी. What I'm trying to say is, जब ये हम ये कैलकुलेशन करते हैं ना कि अगर हमारा कॉर्पस 2 करोड़ का बन जाएगा तो लाइफ एकदम सही हो जाएगी, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं कैलकुलेशन में, हम महंगाई को नहीं समझते. जो चीजें आज सस्ती लग रही हैं, 10, 15, 20 साल बाद उनका प्राइस आसमान छू रहा होगा. तो जो आज हम लाखों की बात करते हैं, अगर आप रिवाइंड करो, लाखों रुपए की बात नहीं करते थे हम, हजारों की बात करते थे. आज लाखों की बात लोग आराम से करते हैं. इट्स ओनली बिकॉज महंगाई ऐसी चीज है, आप चाहो या ना चाहो हमेशा रहेगी, एंड द प्राइसेस विल ऑलवेज इंक्रीज. सो हमारा बिगेस्ट एनिमी, व्हाई वी ऑल हैव टू सेव एंड इन्वेस्ट, इज टू डिफीट दिस इनविजिबल एनिमी व्हिच इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन. नाउ इन्फ्लेशन को हराना किस तरीके से है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक थिंग. सबसे पहली चीज जो आपको अपने क्लाइंट्स के साथ करना है कि आपको उनके साथ बहुत गहराई में एक बात करनी है. यू हैव टू हैव अ वेरी पर्सनल डिस्कशन एंड अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन विद देम टू अंडरस्टैंड कि आप पैसा कमा क्यों रहे हो, फॉर व्हाट पर्पस एंड फॉर व्हाट ऑब्जेक्टिव आर यू अर्निंग मनी. और क्लाइंट के साथ बैठ के लिख लीजिए, बिकॉज क्लाइंट को क्लैरिटी नहीं होती है वो पैसा कमा किसके लिए रहा है. उसके गोल्स डिफाइन कीजिए, उसको क्लैरिटी दीजिए कि उसके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, मीडियम टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है. और उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि जिंदगी बहुत लंबी होती है, शुरुआत रिटायरमेंट प्लानिंग से होनी चाहिए. बिकॉज अगर हम 50, 55 या 60 में रिटायर होते हैं, 20, 25 या 30 साल का लंबा रिटायरमेंट होगा जहां पे इनकम हमारे पास नहीं होगी. रिटायरमेंट हमारे लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्यों होना चाहिए, और उनके गोल्स डिफाइन करने में उनको हेल्प कीजिए. एक बार आपने उनको क्लैरिटी दे दी कि आपके गोल्स कौन से होने चाहिए, उसके बाद बात आती है कि कौन से 2 एसेट क्लासेस यूज किए जाए टू अचीव योर गोल्स. एक्चुअली जो ये मार्केट में इतनी नॉइज चलती है ना कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पे डाल दो, इस चिट फंड में डाल दो, 2 ही एसेट क्लास रिक्वायर्ड है हमको. ऑनेस्टली 2 ही एसेट क्लास रिक्वायर्ड है. 1 is equity एंड 2nd is fixed income. और दोनों को समझाने का मैं एक सिंपल तरीका लेता हूँ. शुरुआत करते हैं इक्विटी से. प्रॉब्लम क्या है, इक्विटी का नाम इसलिए खराब है बिकॉज लोगों को लगता है सुबह उठ के मनी कंट्रोल ओपन करके, सुबह उठ के CNBC में मार्केट चेक करना, उसको इक्विटी कहते हैं. ऑनेस्टली उसको इक्विटी कहते ही नहीं है. इक्विटी का मतलब बहुत सिंपल है. इक्विटी मीन्स इन्वेस्टिंग इन टू बिजनेसेस. आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो. दुनिया में अमीर बनने के 2 तरीके हैं, या तो आप खुद का एक बिजनेस शुरू करो या किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करो. जैसे मैं DSP म्यूचुअल फंड में काम करता हूँ, सर्विस क्लास में हूँ, बट टेक्निकली क्या मैं अमीर नहीं बन सकता, आइडली बन सकता हूँ अगर मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ. और ये सारे बिजनेसेस हम सब जानते हैं, हमारे आंखों के सामने हैं. हम जब सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं तो हमें पेप्सोडेंट और कोलगेट दिखाई देता है, हाथ धोते हैं तो इसमें हमें लाइफ बॉय दिखाई देता है, आटा खाते हैं तो ITC आशीर्वाद आटा दिखाई देता है, गाड़ी लेते हैं तो मारुति, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, या 2-व्हीलर लेते हैं तो हीरो या बजाज या TVS या आयशर मोटर दिखाई देता है, शॉपिंग करने जाते हैं तो डीमार्ट, शॉपर स्टॉप दिखाई देता है, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो विप्रो, इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, टेलीकॉम यूज करते हैं तो रिलायंस जियो या 5G का या 4G का कनेक्शन अपना एयरटेल का दिखाई देता है, पेट्रोल डालते हैं तो HPCL, BPCL, IOCL,
रिलायंस इंडस्ट्री दिखाई देती है, मेट्रो में ट्रैवल करते हैं दिल्ली में तो हमें अपना L&T दिखाई देता है। द आइडिया इज बैंक्स जाते हैं तो HDFC, ICICI, कोटक, SBI जैसे बड़े बैंक दिखाई देते हैं, लोन देखते हैं तो बजाज फाइनेंस दिखाई देता है, घर की दीवारें भी पेंट करते हैं तो एशियन पेंट, नेरोलैक दिखाई देता है, चप्पल पहनते हो तो अपना बाटा दिखाई देता है, रिलैक्सो दिखाई देता है, घर की वायरें लगाते हो तो हैवल्स दिखाई देता है, बजाज इलेक्ट्रिकल दिखाई देता है। कहने का मतलब यह है सारी कंपनीज हमारे आंखों के सामने है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अच्छी कंपनियों में निवेश करो, बट अभी आपका सेकेंड पॉइंट आएगा ये अच्छी कंपनियां हैं कौन सी और कैसे इन्वेस्ट कीजिए। ये समझाने के लिए मैं आपको एक वापस मूवी का एग्जाम्पल देता हूँ। आई एम श्योर आप सब लोग नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, Hotstar, Zee और बहुत सारी मूवीज पे प्लेटफॉर्म से मूवीज देखते होंगे। सबसे पहला असूल है मूवीज का कि सारी पिक्चरें हिट नहीं होती, कुछ मूवीज हिट होती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं और कुछ सुपर फ्लॉप हो जाती हैं। बट कौन सी मूवी चलेगी, कौन सी मूवी फ्लॉप होगी, ये बताना बहुत मुश्किल होता है जब आप शुरुआत कर रहे होते हो। इसीलिए समझाया जाता है विच इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जो भी आपको दिख रही है ना कंपनी जो एकदम निशाने पे चली गई, लाइक HDFC, ICICI, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, ये सक्सेसफुल कंपनीज है। बहुत सारी कंपनीज फेल भी हो जाती है जो नजर में नहीं आती, इसीलिए डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा रूल, सबसे बड़ा प्रिंसिपल जो इन्वेस्टमेंट में समझाया जाता है, डाइवर्सिफाई योर मनी। जो म्यूचुअल फंड करता है, म्यूचुअल फंड आपका सारा पैसा एक स्टॉक या एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता, आपका पैसा बहुत सारी स्टॉक्स और बहुत सारी कंपनियों में निवेश करता है। उसका सबसे फंडामेंटल एडवांटेज ये होता है कि आपका रिस्क कम हो जाता है। वी ऑल नो डिसरप्शन इज द ओनली कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड, चीजें कॉन्स्टेंटली डिसरप्ट होती जा रही हैं। जो 15 साल पहले जिस तरीके से कंपनीज चलती थी, आज बिल्कुल ही अलग तरीके से चल रही हैं। अगर आप विश्व में भी देखोगे, वर्ल्ड में भी देखोगे, जो आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, लाइक Amazon, Facebook, Google, या जो टेस्ला आ गई है, ओके, या एप्पल है, ये कंपनी 20-25 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हो गई हैं। इतनी बड़ी हो गई हैं कि कुछ देशों के GDP से भी बड़ी वो कंपनीज हो गई हैं। वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। कौन सी कंपनीज अच्छा करेंगी बताना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड आपको बना के देता है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात, लोगों को लगता है कि डीमैट में ओपन करके शेयर्स खरीदने को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आइटली दिस इज द ओनली प्रोफेशन विच पीपल थिंक जस्ट बिकॉज आप खरीद सकते हो तो आप इन्वेस्टर बन जाओ। हम खुद जानते हैं कि अगर एक सिंपल ड्राइविंग भी सीखनी होती है तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो 6-7-10 साल की मेहनत, पढ़ाई करता है, फिर प्रैक्टिस करता है, फिर जाके डॉक्टर बनता है। पर लोगों को लगता है कि कंपनी के बारे में बिना कुछ जानकारी किए स्टॉक खरीदने को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आइडली वन शुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड नॉलेज बिफोर बाइंग स्टॉक्स, जो हम सब जानते हैं किसी के पास नहीं है। और इसलिए म्यूचुअल फंड रूट इज द बेस्ट रूट बिकॉज देयर इज एन एक्सपर्ट फंड मैनेजर, ही हैज अ टीम ऑफ 8-10 एनालिस्ट जो मिलके डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं आपके लिए वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से। नाउ जब भी हम इक्विटी की बात करते हैं, जनरली लोग बोलते हैं कि इक्विटी में वेल्थ आसानी से बन जाती है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कहानियां भी इसी तरीके से बताई जाती हैं कि अगर आपने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया होता सेंसेक्स में 40 साल पहले, आज सेंसेक्स 60,000 के ऊपर है तो 1,06,00,000 के ऊपर ज्यादा बन चुका होता, विच इज ए वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। कौन नहीं चाहेगा कि उनका 1,00,000 रुपया 6,00,000 ज्यादा बन जाए, प्लस इसमें डिविडेंड्स भी ऐड कर दो तो फिर तो और वैल्यू बढ़ गया। बट रियलिटी हमें पता है, रियलिटी स्टॉक मार्केट की एक सीधी लाइन की तरह नहीं होती है, मार्केट में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल विच यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड इन इक्विटी मार्केट, इट इज अ जर्नी ऑफ अ बिजनेसमैन। आज की दुनिया में कौन सा बिजनेसमैन है जिसकी जर्नी स्ट्रेट लाइन चलती है? जब आप इक्विटी को मानते हो कि इट्स अ जर्नी ऑफ अ बिजनेसमैन, इसमें उतार चढ़ाव तो लगे ही रहेंगे। कभी कभी ऐसा वक्त आएगा जब बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, मार्केट्स बहुत अच्छा करेंगी, और कभी कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब बिजनेस बिल्कुल नहीं चलेगा, और कभी कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब आपको लगेगा आप 3-4 साल पीछे चले गए लाइफ के। दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट प्रॉब्लम क्या है, एक और रूल है इन्वेस्टमेंट्स का, कि हमारी इतनी
शॉर्ट साइट, हमारा विजन इतना छोटा होता है कि हम लॉन्ग टर्म पिक्चर नहीं देख पाते. जस्ट एज एन एग्जाम्पल, आई एम श्योर जैसे मैं बहुत अपसेट हूँ, आई एम श्योर आप भी बहुत अपसेट होंगे इंडिया की बैटिंग देख के, जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान से हारे और न्यूजीलैंड से हारे. हमें याद भी नहीं, एक्चुअली हम दो वार्म अप मैच जीते थे, बैक टू बैक वार्म अप मैच जीते थे, हमने दोनों मैच बहुत कंफर्टेबली वार्म अप मैच जीते. द प्रॉब्लम इज, इसको बोलते हैं रिसेंसी. जो भी बहुत रिसेंट होता है ना, वो हमारे दिमाग में हावी रहता है. हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया विराट कोहली को निकाल देना चाहिए, 5-6 प्लेयर्स हमने ऑलरेडी डिसाइड कर दिए कि इनको तो क्रिकेट में होना ही नहीं चाहिए. आवर माइंड्स गेट टू मच कैरिड अवे बाय रीसेंट इंफॉर्मेशन, और ये हमारे दिमाग की प्रॉब्लम है. हम कभी भी लॉन्ग टर्म पिक्चर या लॉन्ग टर्म आइडियाज कभी नहीं देख पाते. एज ह्यूमन बींग्स आर वेरी, वी आर वेरी इमोशनल इन नेचर, वी गेट कैरिड अवे विद द इमोशंस विच आर देयर इन द मार्केट. तो कभी कभी जब मार्केट ऊपर कर रही होती है, जा रही होती है, तभी हम इमोशनल होके बहुत पैसा लगा देते हैं, और जब मार्केट गिरती है तब इमोशनल होके पैसा निकाल भी देते हैं. बट इट्स ओनली बिकॉज जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे दिमाग पे बहुत हावी करती है, हम लॉन्ग टर्म पिक्चर कभी देख नहीं पाते. आपको अगर लॉन्ग टर्म का मैं अगर एक आइडिया दूं, मार्केट में उतार चढ़ाव किस तरीके से हुए, सॉरी ये स्लाइड को थोड़ा पहले चेंज करता हूं बिकॉज मैंने नंबर रॉन्ग लिखा है, वन सेकेंड. जब हम मार्केट्स की बात करते हैं, लोगों को लगता है कि लास्ट 40 साल तो बहुत आसान रहे हैं मार्केट के लिए, और एक्चुअली एक भी ऐसा वक्त, एक भी ऐसा साल नहीं था जब मार्केट के लिए आसान था. इनफैक्ट बोला जाता है सबसे बुरा वक्त कंट्री के लिए तब होता है जब उनका बिगेस्ट लीडर या प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो जाता है. लास्ट 40 सालों में वी सॉ टू ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर्स गॉट असैसिनेटेड, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी. मंडल कमीशन हुआ, 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, कारगिल वॉर हुआ, डॉटकॉम बबल 2000 में हुआ, लीमन ब्रदर क्राइसिस 2008 में हुई, काफी टेररिस्ट अटैक हुए, बॉम्बे में भी 26/11 एक टेररिस्ट अटैक हुआ, बहुत फाइनेंशियल स्कैम्स हुए, हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, केतन पारेख का स्कैम हुआ, बड़ी बड़ी कंपनीज डिफॉल्ट हुई, सत्यम जैसी बहुत बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनी जो सोचते थे कि इससे बेटर कंपनी दुनिया में नहीं हो सकती, मतलब इंडिया में नहीं हो सकती, सत्यम में फ्रॉड पकड़ा गया. उसके बाद ILFS क्राइसिस हुए, यस बैंक की चैलेंजेस हुई, चाइना के साथ बीच में प्रॉब्लम शुरू हुई, डीमोनेटाइजेशन हुआ, अभी हम पेंडेमिक से जा रहे हैं, इलेक्शंस बहुत फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, कभी कभी तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स भी आए जो ना बीजेपी के थे ना कांग्रेस के थे, थर्ड फ्रंट के थे. हमें लग रहा था अब क्या होगा जब आई के गुजराल, देवी गौड़ा, वीपी सिंह उस टाइम पे. द आइडिया इज हमेशा कुछ ना कुछ दुनिया में हो ही रहा होता है, हमेशा इंडिया में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है. कभी दिल्ली में इलेक्शन है, कभी महाराष्ट्र में इलेक्शन है, कभी सेंटर में इलेक्शन है, कभी बजट्स है, कभी बारिश नहीं हुई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी कोई बैंक में फ्रॉड आ गया, कभी कोई लीडर असैसिनेट हो गया. द ब्यूटी इज दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहेगा. द ब्यूटी इज बिजनेस इज ऑलवेज क्रिएट वेल्थ फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव. ऑल यू हैव टू डू इज इन्वेस्ट इन टू अ डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ गुड बिजनेसेस एंड होल्ड देम फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल. नाउ जो इक्विटी मार्केट का एक और प्रॉब्लम क्या है, ये एफडी की तरह आपको गारंटेड रिटर्न नहीं देता. भले सुनने में अच्छा लगता है कि एवरेज 12-13-14% रिटर्न बनते हैं, बट 12-13% रिटर्न कभी देता ही नहीं, कभी बहुत ज्यादा देता है, कभी बहुत कम देता है, कभी नेगेटिव भी देता है, बट वो एग्जैक्ट एवरेज रिटर्न कभी भी कोई भी साल में नहीं देता. तो ये बात क्लाइंट को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरेज रिटर्न ऑफ 12-13% का मतलब ये नहीं होता कि 12% हर साल, कुछ साल ज्यादा होते हैं, कुछ साल नॉर्मल होते हैं और कुछ साल नेगेटिव भी होते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा बात जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इक्विटी मार्केट का, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, लोगों को लगता है कि इक्विटी में जैसे अभी मार्केट थोड़ी सी, इनफैक्ट आज सुबह नेगेटिव थी, लोग घबरा गए थे. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है. ये चार्ट बताता है कि हर साल कितने प्रतिशत से, बाय व्हाट परसेंटेज डज मार्केट करेक्ट एवरी ईयर. ये चार्ट ये बताता है कि उस साल का हाईएस्ट पॉइंट से लेके उस साल का लोएस्ट पॉइंट कितने प्रतिशत की गिरावट होती है. अगर आप ये चार्ट को देखोगे, लास्ट 30 सालों का डेटा पॉइंट देखोगे, आपको रियलाइज होगा
10% मार्केट तो हर साल गिरती है, 10% हर साल गिरती है, ऐसा कोई भी साल नहीं है जब मार्केट 10% नहीं गिरी। मतलब एक दो साल छोड़ सकती है, जैसे 2014-2017 में मार्केट 10% नहीं गिरी, 5% या 6% गिरी। 20% फॉल भी बहुत कॉमन है ऐसे, मतलब 30 सालों में ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 15 साल ऐसे हैं जब मार्केट 20% भी गिरी है। 30% फॉल भी, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 3 में से 1 साल तो ऐसा होता है जब मार्केट 30% भी गिर जाती है, 30%। आपको ये बात रियलाइज होगी, जब हमने मार्च में देखा ना मार्केट 36% से गिरते हुए, और सबको लग गया था कि ऐसे दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर आप इतिहास देखो 15-20-25-30% का फॉल कितना नॉर्मल है इक्विटी मार्केट के लिए। अगर आप ये बात समझ जाओ कि इक्विटी के लिए ये मार्केट का गिरावट बहुत नॉर्मल है, तो आप मार्केट में जो उतार चढ़ाव होता है उससे आप डरना बंद कर दोगे, बिकॉज आप समझ जाओगे कि ये हर साल होता है। दिल्ली में आई एम श्योर एनीबडी हुज फ्रॉम बॉम्बे, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, एनीबडी हुज, और बॉम्बे में टेम्परेचर पूरा साल ऐसा रहता है, गर्मियों में भी मॉडरेट गर्मी होती है, ठंड में भी पंखे चल रहे होते हैं। दिल्ली में अगर कोई आए गर्मियों में और वो बोले अरे ये क्या टेम्परेचर है, बिकॉज वो इसलिए घबरा रहा है बिकॉज वो पहली बार देख रहा है। या दिल्ली में अगर वो जैन फेब या मार्च के महीने में आए और बोले ये कौन सी ठंड है, बिकॉज वो पहली बार आ रहा है। बट जो दिल्ली में रहने वाला पर्सन है वो बोलेगा ये तो हर साल होता है। उसी तरीके से बॉम्बे में बारिश हर साल बहुत ज्यादा होती है, और उसी तरीके से मार्केट हर साल गिरती है, ऐसा कोई साल नहीं है जब मार्केट नहीं गिरती। दिस इज द नेचर ऑफ इक्विटी मार्केट। अगर आप ये बात समझ जाओगे, जब भी मार्केट गिरेगी 10-15-20% से, आप नहीं घबराओगे, बिकॉज आप बोलोगे ये तो हर साल गिरती है, ये स्वभाव है इक्विटी मार्केट का। वंस यू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, यू विल स्टॉप गेटिंग वरीड विद इक्विटी मार्केट। लास्टली आई जस्ट टॉक अबाउट 2-3 प्रिंसिपल्स और फिर ओपन करते हैं फ्लोर क्वेश्चंस के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्वेस्टमेंट में होती है वो है वक्त, समय। एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं, यहाँ पे एक पर्सन है 30 साल का, सिंपल 5,000 रुपए की SIP करता है, मैंने 12% से रिटर्न पकड़े हैं, 30 सालों में उसका कॉर्पस हो जाता है 1.52 करोड़। और यही पर्सन अगर 35 साल की उम्र में SIP शुरू करे, हम सोचते हैं कभी कभी 5 साल डिले से क्या फर्क पड़ता है, 5 साल डिले करने से उसका कॉर्पस 50% कम हो जाएगा, 84 लाख हो जाएगा। अगर वो 40 साल में शुरू करता है तो 45 लाख होगा, 70% कम हो जाता है। और 50 साल की उम्र में SIP शुरू करेगा तो 11 लाख बनता है, 90% से उसका कॉर्पस कम हो जाएगा। तो एक ही चीज समझ आती है कि जितने से जितने ज्यादा टाइम दे सकते हो अपने SIP के लिए, जितना जल्दी शुरू कर सकते हो, दैट इज द की टू वेल्थ क्रिएशन। नाउ मैंने इक्विटी की बहुत सारी बातें की, इसका मतलब ये नहीं कि सारा पैसा इक्विटी मार्केट में होना चाहिए, आपका कुछ पैसा इक्विटी मार्केट में होना चाहिए। ट्रीट एसेट एलोकेशन लाइक हाउ यू आर प्लेइंग क्रिकेट, सिर्फ चौके छक्के इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वंस एंड टूज भी चाहिए, आपको थोड़े डॉट बॉल्स भी चाहिए कभी कभी। तो ट्रीट इक्विटी मार्केट लाइक 4s and 6s, उसके बिना आप मैच जीत नहीं पाओगे। उसके अलावा आपको वंस एंड टूज भी चाहिए, फिक्स्ड इनकम भी चाहिए। फिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है, डेट फंड्स। ये तब काम आते हैं जब मार्केट वोलेटाइल होती है, जब गिरती है, या कुछ सालों तक जब मार्केट रिटर्न नहीं देती। फिक्स्ड इनकम आपको मॉडरेट रिटर्न्स देते हैं, आपके पोर्टफोलियो को संभाल के रखते हैं। और गोल्ड, अराउंड 5-15% गोल्ड पोर्टफोलियो में होना बहुत अच्छा है, बिकॉज जनरली जब इक्विटी अच्छा नहीं कर रहा होता गोल्ड अच्छा करता है। लास्ट 2 सालों से इक्विटी अच्छा कर रहा है, गोल्ड अच्छा नहीं कर रहा। जब गोल्ड अच्छा करता है, काफी बार देखा गया है, इक्विटी अच्छा नहीं करता। दोनों को पोर्टफोलियो में रख दो, कभी एक अच्छा करेगा कभी दूसरा अच्छा करेगा, ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो अच्छा करेगा। इसको फाइनेंस की भाषा में बोला जाता है एसेट एलोकेशन। लास्टली बहुत सिंपल सी बात है, 3 बड़ी मिस्टेक्स नहीं करनी। सबसे पहले ये तो दुनिया की रीत है, आज हम सिर्फ पड़ोसियों से कंपेयर नहीं करते, आज हम दुनिया से कंपेयर करते हैं। कोई ना कहीं कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहा है, घूम रहा है, पार्टी कर रहा है, नए कपड़े खरीद रहा है, नई गाड़ी खरीद रहा है। एट द एंड ऑफ द डे पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल। आपको अपने क्लाइंट्स को समझाना है कैसे काबू में रहना है, अपने एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स को किस तरीके से बैलेंस आउट करना है। द प्रॉब्लम इज इन द वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हम सेव करना भूल जाते हैं। सेकेंड थिंग इज, एक और चीज जो प्रॉब्लम हो रही है, और इनफैक्ट बहुत ज्यादा हो रही है आज के टाइम पे, इज बिकॉज ऑफ 24/7 मीडिया। आप रिमाइंड कीजिए, एक टाइम पे दूरदर्शन हुआ करता था, हमें सिर्फ पूरे देश की थोड़ी खबरें मिलती थी और उतनी हमारे लिए खबरें सफिशिएंट थी।
We live today in a world of 24/7 information. Media, internet, radio, television, magazines, newspaper, WhatsApp. और problem पता है क्या है? अच्छी information travel नहीं करती, negative information और false information और जो घबराहट और डर वाली information है बहुत fast travel करती है. अगर आपको बोलूं कि दुनिया खत्म होने वाली है तो वो information बहुत fast travel करेगी. The reason is simple, because डर बेचना और डर समझाना सबसे आसान चीज है. अगर मैं आपको बताऊं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये न्यूज बनाती नहीं है. अगर मैं कहूं कि लड़ाई हो सकती है तो वो न्यूज बनती है. एंड सबको अपनी न्यूज बेचनी है तो मार्केट में इतना डर चल रहा होता है परपेचुअली कि इंसान हमेशा एंग्जियस होता है. द मोस्ट एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल टू बी अ गुड इन्वेस्टर इज जितना ज्यादा आप दूर रह सकते हो इंफॉर्मेशन से इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सी एट द एंड ऑफ द डे आपको क्लाइंट्स को समझाना है वी आर इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. Equity is for long-term wealth creation. Fixed income is to make sure आपका capital, आपका volatility कम हो. और gold is for uncertainty. और थोड़ा emergency fund आपके सुख-दुख के लिए काम आएगा. That is all what we require for financial planning. Lastly, which is the biggest problem of all of us, इसको बोलते हैं भेड़चाल. भेड़चाल का मतलब ये होता है हम एक साथ एक तरफ भागना शुरू कर देते हैं. ये human behavior है. We love to follow the herd. कभी एक साथ हम बेचना भी शुरू कर देते हैं, एक साथ खरीदना भी शुरू कर देते हैं. हर एक चीज वही करते हैं जो सब कर रहे हैं. फाइनेंशियल प्लानिंग में अपने क्लाइंट को समझाइए आपकी प्लानिंग आपके गोल्स और आपके सिचुएशन के हिसाब से होने चाहिए, ना कि दुनिया क्या कर रही है. यू हैव टू फॉलो योर ओन गोल्स एंड योर ओन रिस्क एपेटाइट. लास्टली आई जस्ट फिनिश विद दिस वन स्लाइड और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा डेटा पॉइंट के साथ. सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का दिमाग खुद ही है. इंसान सोचता है कि सबसे बड़ी दुश्मन एक्चुअली मार्केट है, लोग हैं और सब कुछ है. एक्चुअली नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा दिमाग ही है. बिकॉज दिमाग ने हमको हेल्प तो कर दिया है. हम चांद पे जा सकते हैं, आज मार्स पे भी जा सकते हैं. हमने वैक्सीन एक साल में फाइंड कर ली. इंटेलिजेंस हमारे पास बहुत है, बट इमोशनली अभी भी हम ग्रीड, फियर, रिग्रेट और इन चीजों में फंसे रहते हैं. ये चीजों में हमने कोई इंप्रूवमेंट नहीं की है. सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको एग्जाम्पल बताया कि दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहेगा. डेटा पॉइंट ये दिखाता है जो लोग इन्वेस्टमेंट करके भूल जाते हैं सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करते हैं. दैट्स व्हाई इफ यू सी मोस्ट ऑफ आवर हाउसहोल्ड्स इन वुमेन जो गोल्ड को पकड़ के रखती हैं और 40-40 साल रखती हैं, वेल्थ क्रिएट कर लेती हैं. लोग घर खरीदते हैं और 30-40 साल के लिए रखते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं. बिजनेसमैन वेल्दी इसलिए होते हैं बिकॉज बिजनेस शुरू करते हैं और 15-15, 20-20 साल वही बिजनेस करते हैं, अच्छी तरह करते हैं और वेल्थ क्रिएट करते हैं. द बिगेस्ट थिंग इन वेल्थ क्रिएशन इज कुछ नहीं करना. कुछ नहीं करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. पोर्टफोलियो को के साथ कुछ ना कुछ करते रहना इज द इजिएस्ट थिंग. क्लाइंट को समझाना कि एक बार अच्छा पोर्टफोलियो बना दिया है और कुछ नहीं करना. यस, चेंजेस करेंगे थोड़ा बहुत बेस्ड ऑन चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस. लाइफ में कुछ चेंजेस होंगे, या फॉर एग्जाम्पल कुछ फंड अच्छा नहीं कर रहे होंगे, या फॉर एग्जाम्पल कुछ तकलीफें आ रही हैं, तो पोर्टफोलियो रिबैलेंस करेंगे मार्केट सिचुएशन के हिसाब से. बट ऑन द बिगर लेवल ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू टू योर पोर्टफोलियो. जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, हमारा एक फंड है जिसका नाम है DSP फ्लेक्सी कैप फंड. इस फंड को 24 साल पूरे हो गए हैं. इस फंड में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव पीरियड्स आए हैं. इनफैक्ट इस 24 सालों में 7-8 बार ऐसे भी वक्त आया जब मार्केट ने इस फंड में 20%, 30%, 40% की भी गिरावट देखी है. इनफैक्ट इसमें तो ऐसे 5 साल भी आए थे, 2008 से लेके 2014. ये 5 साल आए थे जब इस फंड ने 1 रुपया का रिटर्न नहीं बनाया, 0% रिटर्न दिया. बट अगर ये 24 सालों में अगर कोई क्लाइंट बना रहता, 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया, आज 77 लाख बन गया होता. दिस इज द पावर ऑफ वेल्थ क्रिएशन. कि इसमें आपको एक ही चीज करनी थी, सिर्फ एक फंड में इन्वेस्ट करना था और 24 साल कुछ नहीं करना था. और इसमें बहुत सारे पीरियड्स आएंगे जब फंड उतार चढ़ाव से जाएगा. एंड लुक एट द रिटर्न्स दिस फंड गेव, 19.5% रिटर्न. एंड दिस इज द ब्यूटी कि जो मैं आपको बात कह रहा था, कुछ नहीं करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू वेल्थ क्रिएशन. कुछ करना इज द इजिएस्ट थिंग विच यू कैन डू, बट कुछ नहीं करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. With this, I will end the session. I just all ask for the call of action. करना क्या चाहिए? आपके पास growth assets होने चाहिए, equity mutual funds, large cap, mid cap, small cap funds.
मेरा सबसे फेवरेट है फ्लेक्सी कैप फंड. फ्लेक्सी कैप आपका कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए, उसके साथ में आप लार्ज मिड एंड स्मॉल प्लीज ऐड कीजिए. सेफ एसेट्स रखिए, क्लाइंट को थोड़ा एफडी दीजिए, बट मेनली उनका पैसा डेट फंड्स में डालिए, डेट म्यूचुअल फंड्स में. मेरे लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड और लो ड्यूरेशन फंड सबसे बेहतरीन फंड है मेरे हिसाब से. अनसर्टिनिटी के लिए थोड़ा पैसा गोल्ड में क्लाइंट को इन्वेस्ट करने के लिए कीजिए, थोड़ा फिजिकल गोल्ड जो क्लाइंट वैसे ही खरीदता है, धनतेरस आएगा वैसे ही लोग खरीदेंगे. बट क्लाइंट्स को एनकरेज कीजिए डिजिटल फॉर्म में गोल्ड खरीदिए. बहुत सारे गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, गोल्ड ETFs हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. एमरजेंसी का कुछ पैसा आप लिक्विड फंड में या सेविंग अकाउंट में रखवा सकते हैं क्लाइंट को, बिकॉज ये आपको एक सिक्योरिटी देता है कि कुछ भी हो जाए अनसर्टिनिटी के लिए पैसा हमारे पास है. इतना ही कुछ करना है, यही प्रिंसिपल्स है, इसके बियॉन्ड पर्सनल फाइनेंस में और कुछ है ही नहीं. विद दिस विल एंड द सेशन एंड आई एम हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. थैंक यू अमित जी फॉर द वंडरफुल सेशन. एंड इंडीड हमें काफी सारे टिप्स आपसे शेयर करने को और लर्न करने को मिले हैं. एंड एज अमित जी हैज सेड कि हम लोग अब क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए ओपन हो चुके हैं, तो मैं सभी पार्टनर्स और अपने सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आपके जो भी सवाल हैं आप प्लीज चैट के थ्रू अपने क्वेश्चंस भेजिए और हम एक एक करके अमित जी से वो सवाल पूछेंगे. मैं अपने सभी पार्टनर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप प्लीज चैट के थ्रू अपने क्वेश्चंस हमें भेजिए एंड हम लोग एक एक करके आप सभी के क्वेश्चंस अमित जी से पूछेंगे. अमित जी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पहले से ही आपके लिए प्रिपेयर्ड है जो कि हमारी टीम की तरफ से और पार्टनर्स की तरफ से आते रहते हैं, राइट? तो जैसे कि हम लोग एसेट एलोकेशन के बारे में काफी बात कर रहे हैं कि इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल और आपने बताया कि हमारे पोर्टफोलियो में ये सारी चीजें होनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज कि कितना परसेंटेज ऑफ गोल्ड होना चाहिए, कितना परसेंटेज इंटरनेशनल स्टॉक्स होना चाहिए, तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता पाए प्लीज. एक चीज आई थिंक जो मैंने मिस कर दी इज अबाउट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स. देखो ऐसा नहीं है कि सारी सारी दुनिया की अच्छे समझदार लोग इंडिया में ही पैदा हो रहे हैं और सारे बिजनेस सिर्फ इंडिया को करना आता है. बिजनेसेस पूरे वर्ल्ड वाइड में भी हैं और इनफैक्ट हम सब जानते हैं कुछ कंट्रीज बहुत डेवलप्ड हैं और वहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जनरली हम स्लोली ग्रेजुअली अडेप्ट हो रहे हैं. सो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखो वी आर इन द बिजनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. ओके कभी कभी उनकी मार्केट अच्छा नहीं कर रही होती, कभी हमारी अच्छी करती है, कभी हमारी अच्छी नहीं कर रही होती उनकी अच्छी करती है. तो कुछ पैसा इंटरनेशनल में इन्वेस्ट करना, इक्विटी मार्केट में कुछ हमारे में इन्वेस्ट करना इज लॉजिकल. मेनली हमारा ज्यादा होना चाहिए, उनका थोड़ा होना चाहिए, बट वहां पे भी इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप कंट्री स्पेसिफिक फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हो या सीधा वर्ल्ड फंड भी खरीद सकते हो. अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो मैं कहूंगा US मार्केट से शुरुआत कीजिए. एक US फंड बिकॉज US वर्ल्ड की 60% स्टॉक मार्केट है, तो आपने US ले लिया प्लस इंडिया लिया, आई थिंक काफी हद तक आप क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छे रिटर्न्स बना पाओगे. अभी US में हमारे पास DSP में एक DSP US फ्लेक्सिबल फंड है, फ्लेक्सिबल इक्विटी फंड है. इसको BlackRock मैनेज करता है. BlackRock वर्ल्ड का बिगेस्ट म्यूचुअल फंड है. उनका एसेट साइज $10 trillion है. अगर जस्ट बताऊं $10 trillion कितने होते हैं, इंडिया की GDP $3 trillion है. मतलब इंडिया की GDP को 3 गुना मल्टीप्लाई कर लिया जाए उतना BlackRock का सिर्फ म्यूचुअल फंड है, उतना बड़ा. तो बहुत अच्छा फंड AMC है, वर्ल्ड की बिगेस्ट है, BlackRock मैनेज करता है. तो अगर आप पैसा डाल रहे हो इंटरनेशनल मार्केट में, US से शुरुआत कीजिए और DSP US फ्लेक्सिबल इक्विटी फंड से शुरू कर सकते हो. अभी क्वेश्चन आता है कि कितना डालना चाहिए, और ये इसका एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हमें ना बचपन से सिखाया गया है कि हर एक मैथ्स के प्रॉब्लम का एक राइट आंसर होना चाहिए. कि अगर एक मैथ्स का पजल दिया है उसका एक ही आंसर हो सकता है, उसके 4-5 आंसर नहीं हो सकते. बट जिंदगी हमको ये समझाती है कि कोई भी प्रॉब्लम का एक आंसर नहीं होता, हर एक प्रॉब्लम के बहुत सारे आंसर होते हैं. तो मैं सुरुचि आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि घर खरीदना अच्छा है कि रेंट करना अच्छा है? Of course, buying a property is better. अच्छा, because आपको लगता है कि एक छत होनी चाहिए, खुद की होनी चाहिए, वो बेटर है. बट काफी लोग हैं जो बॉम्बे, इनफैक्ट बॉम्बे में 70% houses लोग रेंट पे रहते हैं. Right. और जो लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि घर भी रेंट पे होना चाहिए, क्यों सर पे बोझ लेना. कुछ लोग तो इवन इनफैक्ट गाड़ी भी आज ट्रेवल भी करना होता है ना, जूम कार ले लेते हैं. तो बोलते हैं कि मैं उबर ओला तो कर ही सकता हूँ, तो गाड़ी खरीदने की जरूरत क्या है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, खुद की गाड़ी की क्या जरूरत है. देखो जो ये जो प्रायोरिटीज है ना, कि कितना इक्विटी कितना डेट,
देखो सबसे पहले तो होता है आपके गोल्स के ऊपर, जितने लंबे आपके गोल्स हैं, जितने दूर आपके गोल्स हैं, अगर आपका होराइजन जितना लंबा है उतना आप इक्विटी ज्यादा ले सकते हो, दैट्स अ फंडामेंटल थिंग। अगर आपका होराइजन, अगर आपके गोल्स 10 15 20 साल के ज्यादा है तो उतना इक्विटी ज्यादा लिया जा सकता है। अगर आपके गोल्स नजदीक है, एक साल, दो साल, तीन साल, पांच साल, छह साल, तो ऑब्वियसली फिक्स्ड इनकम बनता है ज्यादा लेना। सो बेसिकली फर्स्ट तो आ जाता है आपका 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 टाइम होराइजन कितना है। इफ योर टाइम होराइजन इज लॉन्ग यू कैन हैव मोर इक्विटी, इफ योर टाइम होराइजन इज शॉर्ट यू कैन हैव लेस इक्विटी। दूसरा आ जाता है आपके स्वभाव के ऊपर। कुछ लोग बाय नेचर बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, वो उन्हें उनके पोर्टफोलियो में इक्विटी कम होना चाहिए। कुछ लोग बाय नेचर थोड़े स्टेबल होते हैं, ओके, वो इक्विटी ज्यादा ले सकते हैं। इसमें कोई गलत या सही बात नहीं है, दैट इज ह्यूमन नेचर और इसको बदला नहीं जा सकता। सो फर्स्ट इज योर एबिलिटी जो आपका टाइम होराइजन डिसाइड करता है, दूसरा इंसान का स्वभाव। ये दो चीजों के हिसाब से आपको एक 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 आइडियल एलोकेशन बनाना है। एक सिंपल गणित दिखाता हूं, समझो जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, मेरे पास 60% इक्विटी है, 30% डेट है और 10% गोल्ड है। अभी 60% इक्विटी के साथ मार्केट अगर 20% भी गिर जाती है, ठीक है, टेक्निकली मेरे लिए वो 20% फॉल नहीं होगा बिकॉज फिक्स्ड इनकम है मेरे पास, बिकॉज इक्विटी सिर्फ 60% है, तो 60 × 20% फॉल सिर्फ 12% का फॉल हुआ मेरे लिए तो ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से। और उस टाइम पे गोल्ड अच्छा करेगा तो शायद वो भी थोड़ा फॉल को रोक लेगा। द आइडिया इज आप कितना लॉस झेल सकते हो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वो हर एक पे अलग अलग डिपेंड करता है। तो किसी के लिए 50% इक्विटी ठीक है, किसी के लिए 40 ठीक है, किसी के लिए 30 ठीक है। आई ऑल्सो नो क्लाइंट जिनको 70% 80% इक्विटी पे भी बैठे हैं। इट इज देयर इज नो गुड फिक्स फॉर्मूला। आपको हर एक क्लाइंट को एक यूनिक तरीके से ट्रीट करना होगा और उनका पोर्टफोलियो आपके बेस्ट जजमेंट के हिसाब से बनाना होगा। राइट, वेरी वेल आंसर्ड एंड थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम लोग डेट की बात भी कर रहे थे, डेट हमारे पोर्टफोलियो में होना जरूरी है, बट करंटली जो डेट की यील्ड्स है वो बहुत लो आ रही है, सो हाउ टू डील विद दैट करंटली। देखो पहली बात तो आप इंटरेस्ट रेट का कुछ नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बैंक वाले, बैंक मैनेजर एफडी को तो नहीं बोल सकते ना कि सर आपके एफडी रेट्स कम है, आप एफडी रेट बढ़ाओ, राइट, ठीक है। सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड को क्यों दोष दे रहे हो, तो वो रेट्स तो सरकार आरबीआई डिसाइड करती है। और इंटरेस्ट रेट अगर आपको इंडिया में कम लग रहे हैं तो प्लीज आप यूएस में जाइए, वहां पे 0% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट आपको 5% तो मिल रहा है। द आइडिया इज ये जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं ये महंगाई के हिसाब से चलते हैं, तो जो लोग चाहते हैं ना कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो उनको ये भी समझना चाहिए कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा चाह रहे हो उसका मतलब महंगाई बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट तब ज्यादा होते हैं जब कंट्री में महंगाई ज्यादा होती है। जब अगर आप 5-7 साल पहले देखोगे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा थे, उस टाइम पे महंगाई 11-12% के हिसाब से थी। तो ये महंगाई के हिसाब से चलता है, जब महंगाई आ जाएगी तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएंगे। आज महंगाई कम है तो इंटरेस्ट रेट कम है, बट इंटरेस्ट रेट जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम है इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा को इक्विटी में डालना है, कम है तो कम है, ओके। तो इंटरेस्ट रेट जो फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन है वो फिक्स्ड इनकम में डालिए, जो इक्विटी का एलोकेशन है वो इक्विटी में डालिए। अगर क्लाइंट को इतनी तकलीफ हो रही है कि इंटरेस्ट रेट कम है तो ज्यादा सेविंग कर ले, बस एज सिंपल एज दैट। वो आप जो आपके आपके कंट्रोल में आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम है तो वैसे आप हर साल 100 रुपए जमा करते हो तो 105 रुपए जमा कर लो, बात तो एक ही हो गई। बट क्रिबिंग ऑन समथिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल हैज नो मीनिंग। राइट राइट राइट। बाकी कुछ सवाल हमारे पार्टनर्स की तरफ से आए हैं, जैसे कि पहला सवाल है कि हमें अपने पोर्टफोलियो को कितने फ्रीक्वेंसी पे रिव्यू करना चाहिए, व्हाट इज द राइट इंटरवल टू रिव्यू द पोर्टफोलियो। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, बट जनरली कोई नया क्लाइंट है तो उसके साथ थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखिए, बिकॉज वो अभी चीजें संभल रहा है, समझ रहा है, तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखिए। ही वुड रिक्वायर अ मोर हैंड होल्डिंग, बट क्लाइंट के साथ जो भी आप फ्रीक्वेंसी रखते हो डॉक्यूमेंट करके रखिए, बिकॉज क्लाइंट को क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप उससे नेक्स्ट कभी मिलोगे। जनरली में देखा गया है एडवाइजर्स पार्टनर्स मिलने तो हैं बट क्लाइंट को पता नहीं होता, रैंडमली कभी कॉल करते हैं सर मिलने आ जाओ, वो बहुत गलत चीज है। एक 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 क्लाइंट के साथ ही डिस्कस कीजिए, सर मैं आपको हर 3 महीने बाद मिलूंगा या हर 6 महीने बाद मिलूंगा, और बीच बीच में जब भी मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट दिखेगी या कोई अपॉर्चुनिटी होगी तब मैं आपको मिलने आ जाऊंगा, बट एज अ फ्रीक्वेंसी सर हम हर 3 महीने में या 4 महीने में एक बार मिलेंगे, पोर्टफोलियो को हम रिव्यू करेंगे और फिर देखेंगे कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो एक बार
और देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली मिलो, बिकॉज उनका नेचर होता है, तो उनसे ज्यादा मिलिए उनके, उनको मे भी आप 2 महीने फ्रीक्वेंसी दीजिए या 3 महीने दीजिए। तो कुछ लोग होते हैं जो फाइन है, 4 महीने भी एक बार मिलोगे चलेगा, या 5 महीने मिलोगे एक बार चलेगा। सो इट इज पर्सन टू पर्सन, बट न्यू क्लाइंट के साथ ज्यादा मिलिए, जो क्लाइंट थोड़ा भावुक है उनसे ज्यादा मिलिए, और क्लाइंट जो अपना एक बार मैच्योर हो गया है, बट क्लाइंट के साथ डिस्कस करके सर क्या राइट टाइम रहेगा उसको बताइए। बेशक कोई बड़ा मूवमेंट होगा मार्केट में और या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तब मैं आपको कॉल करूंगा, तब बीच में मिलेंगे, अदरवाइज सर ये शेड्यूल के हिसाब से हम मिलेंगे। ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से मीट किया जाए, लाइक कौन सी जगह पे हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप लिक्विड फंड्स के बारे में थोड़ा बता। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड सबसे बेहतरीन तरीका है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में पैसा वही आपको वही 5-6% देगा, पर पैसा पड़ा रहेगा। वो इमरजेंसी के लिए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं उसके बारे में, मतलब एक्चुअली पता है क्या है इमरजेंसी, आपको मैं हिंदी में एक थोड़ी एक कहावत के हिसाब से समझाऊं, अच्छा वक्त बता के नहीं आता और बुरा वक्त तो कभी बता के नहीं आता। ओके, लोग बोलते हैं कि कौन सी इमरजेंसी, मैंने बोला अगर पता होती तो फिर मैं तो फिर हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते ना, बिकॉज इमरजेंसी का मतलब ही होता है कि अनसर्टेनिटी, वो कहीं से भी बिना बताए आ जाती है। इट कैन बी अ हेल्थ प्रॉब्लम, इट कैन बी अ जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम, इट कैन बी अ बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम, कहीं से भी। तो कुछ पैसा अगर वहां रहता है तो उसका एडवांटेज क्या होता है, बैक ऑफ द माइंड एक सर्टेनिटी होती है कि कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो ये पैसा मेरे पास है। राइट, मार्केट भी गिरती है, डर भी आता है, तो पता है इमरजेंसी पैसा निकाल लूंगा। जनरली बोला जाता है कि 6 महीने की सैलरी इमरजेंसी में रख दो, बिजनेसमैन हो तो 6 महीने का प्रॉफिट आप इमरजेंसी फंड में अपना लिक्विड या आई वुड रादर से अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में डाल के छोड़ सकोगे, बेस्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज कि मार्केट के हिसाब से हमें पैसा लमसम के तौर पे डालना चाहिए या फिर एसटीपी या एसआईपी के तौर पे। देखो एसआईपी तो हमेशा करनी है, एसआईपी और लमसम को दो अलग चीजें नहीं है। ठीक है, अभी अभी मैं जैसे सर्विस क्लास पर्सन हूँ, मेरे पास अगर हर महीने सैलरी आती है तो मैं एसआईपी करता हूँ, जब मेरे को बोनस आता तो मैं लमसम कर लेता हूँ। तो एसआईपी तो एक बेयर मिनिमम अमाउंट जो आप हर महीना डालना चाहिए वो तो एसआईपी तो होनी चाहिए। बिजनेसमैन है तो एक बेयर मिनिमम एसआईपी कर लीजिए, जब हाथ में बड़ा पैसा आता है उसको लमसम में डालते रहिए। ओके, कभी कभी ये लमसम और एसटीपी का थॉट कैसे आ जाता है, कभी कभी लोगों को लगता है कि मार्केट में क्या मैं सारा पैसा अभी डाल दूं, क्या ये सही वक्त रहेगा, तो लोग सोचते हैं कि एक साथ सारा डालना थोड़ा डर लग रहा है। फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव उसी चीज को अगर आप 5-6 हिस्सों में बांट दो तो थोड़ा डर कम हो जाता है। एसटीपी साइकोलॉजिकली काफी अच्छा काम करता है। अगर एक क्लाइंट है वो बोले कि मुझे 10 लाख रुपए डालना है और घबरा रहा है, 10 लाख एक साथ डाल दूं क्या, मार्केट आज जाएगी ऊपर जाएगी, वैसे कोई चिंता मत लो, ऐसा करते हैं कि 1 लाख रुपया हर महीने डालते हैं 10 महीने के लिए, तो आपका स्प्रेड आउट हो जाएगा तो क्लाइंट भी कंफर्टेबल हो जाता है। सो इट इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग। कुछ क्लाइंट्स एक साथ पैसा नहीं डालना चाहते, एसटीपी कैन वर्क फॉर देम, बट ऑनेस्टली मेरे हिसाब से अगर मैं अपना पैसा डाल रहा हूं तो मैं लमसम प्रेफर करता हूं, बट जब मैं कंफ्यूज होता हूं तो एसटीपी यूज कर लेता हूं। जब भी आप कंफ्यूज स्टेट में हो तो एसटीपी कर लो, श्योर स्टेट में हो तो लमसम कर लो। राइट, और इस एसटीपी का कोई टेन्योर भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं, लाइक 4-6 मंथ्स का सही है या किस तरीके से, एनी थॉट? कोई साइंस नहीं है उसके पीछे। तो अगर आइडली अगर देखो आपको पैसा स्प्रेड करना है तो 6 महीना आइडली काफी होना चाहिए। ओके, राइट। एक पार्टनर ये भी पूछ रहे हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कैसे हम लोग क्लाइंट्स को कन्विंस कर सकते हैं, एनी थॉट्स ऑन दैट? देखो रिटायरमेंट प्लानिंग में जितना आप सिंपल बात करोगे उतना अच्छा है। सबसे पहले कि अगर आप जीवन को 3 हिस्से में बांट दो, पहले 30 साल हम पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, अगला 30 साल काम करते हैं और आखिरी का 30 साल हमें फाइनेंशियल पैसे की जरूरत होती है। देखो रिटायरमेंट ऐसी चीज है जो हमारी जनरेशन देखेगी, जो पहली जनरेशन ने नहीं देखा। यस वी हैव ग्रैंड पेरेंट्स, बट ऑनेस्टली अ लॉट ऑफ अस हैव लॉस्ट आवर ग्रैंड पेरेंट्स इज बिकॉज मोर्टैलिटी, जो बोलते हैं ना कितने साल तक इंसान जीवित रहता है, इंडिया में एक वक्त था एंड पीपल विल बी सरप्राइज्ड विद दैट, 1980 में द एवरेज मोर्टैलिटी ऑफ इंडिया वाज 48 इयर्स, आज 70 तक पहुंच गया है और ये और बढ़ने वाला है। और मैं अभी तक उससे पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं अर्बन इंडिया और रूरल भी आ गया। एक ऐसा टाइम आएगा जब मोस्टली हमारे क्लाइंट्स रिटायर होंगे, हम रिटायर होंगे, हम मोस्ट लाइकली 85-90 तक जिएंगे और मोस्ट लाइकली हम 55 में हम काम करना हम बोर भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं हम काम नहीं करेंगे, बट हम काम करेंगे, बट पैसों के लिए हमें भागने की शायद हमें दिल या तमन्ना नहीं करेगा।
अभी आप इमेजिन कीजिए, आपको 20 25 30 साल का ऐसी एक पीरियड आएगा जब आपके पास इनकम नहीं होगी, मतलब इनफ्लो नहीं होंगे, रेगुलर इनकम नहीं होगी। तो कॉर्पस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो लोग नहीं समझ रहे कि हमारे देश में बाकी मुल्कों की तरह पेंशन नहीं मिलती, प्लस हमें अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, हेल्थ केयर बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। हम वर्ल्ड को कॉपी तो कर रहे हैं खर्चों में, बट हमें ये नहीं पता कि उनको सब बेनिफिट्स मिलते हैं, हमें सब बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आपको अपना ख्याल खुद ही रखना है। यूएस में जो भी लोग काम भी करते हैं ना, उनको एक बेनिफिट सरकार बना के देती है, इसको बोलते हैं 401k अकाउंट। जब रिटायर होते हैं ना, एक बड़ा कॉर्पस भी मिलता है उन्हें, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सारा ख्याल हमें खुद रखना है, ना अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, ना मेडिकल बेनिफिट्स है, ना रिटायरमेंट बेनिफिट है। इन दैट केस प्लस इंक्रीजिंग इन योर लाइफस्टाइल, प्लस इंक्रीजिंग इन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्लस इंक्रीजिंग इन मेडिकल कॉस्ट, रिटायरमेंट कॉर्पस की जागरूकता करना, अवेयरनेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट अमित जी, सो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, एंड विच इज अबाउट द मिलेनियल्स। जो यंग जनरेशन होती है, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मनी, और वो क्रिप्टो और ऐसी जगह पे भी पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो यू नो, उनको किस तरीके से कन्विंस किया जाए फॉर दिस SIP और लमसम के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करने के लिए? आप सिर्फ समझा सकते हो, नहीं समझेंगे। क्यों मैं ऐसे बोलता हूँ, बिकॉज क्या होता है, बिगेस्ट लेसन्स लर्नड इन लाइफ इज ओनली थ्रू मिस्टेक्स। राइट, वो उम्र में जोश ज्यादा होता है और क्विक रिटर्न्स बनाने की, देखो शॉर्टकट्स, आज सबको रातों रात अमीर बनना है, शॉर्टकट्स सबको लेने हैं। इट टेक्स विजडम टू अंडरस्टैंड कि पैसा आस्ते आस्ते धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में बनता है, बट उस समय तमन्ना होती है जब आप देखते हो आपके फ्रेंड्स भी क्रिप्टो में डाल रहे हैं, फटाफट पैसा बना रहे हैं, तो इट्स वेरी नेचुरल टू गेट कैरिड अवे। एज अ एडवाइजर आप उनको सिर्फ एक लॉन्ग टर्म पिक्चर दिखा सकते हो, स्टोरीज की तरह उनको आप समझा सकते हो, जैसे और आपको उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी, जैसे बच्चे स्क्विड गेम्स देख रहे हैं, जहाँ पे आप उनको समझा सकते हो सर स्क्विड गेम्स में बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या थी, डेट लेने से, उधार लेने से क्या होता है लाइफ में, उधार की जिंदगी क्यों नहीं जीनी चाहिए, या फिर सेफ। अगर आपको उनकी भाषा में सिंपल एग्जाम्पल्स की तरह, स्टोरीज की तरह समझा के अगर आप कर सकते हो, इट कैन बेनिफिट। बट देखा गया है कि जो बहुत यंग जनरेशन है थोड़ी इम्पेशेंट है, समझाना डिफिकल्ट है, बट अगर आप ठीक से कहानियां लॉजिकली डेटा पॉइंट के साथ उनको एक्सप्लेन करो, मोस्ट लाइकली आई थिंक दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड। वन सेकंड ना, राइट अमित जी, सो दैट्स ऑल द क्वेश्चंस बेसिकली, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, एंड आपने काफी सारे पॉइंट्स हमारे साथ प्रेजेंट किए हैं, एंड दैट वाज लाइक वंडरफुली एक्सप्लेन्ड, इट वाज अ वेरी गुड सेशन इंडीड, एंड वी वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू हैव मोर सच सेशंस विद यू। श्योर श्योर, वी विल श्योरली कनेक्ट सून एंड वी विल हैव सेशंस। श्योर, थैंक यू सो मच अमित जी, मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू। Okay, participants, wish you a happy, happy, happy Diwali, happy Dhanteras. ये दिवाली सबके लिए अच्छी हो और सुखमय हो। Thank you, Amit ji. और मैं सभी partners का भी thank you करना चाहूंगी आज का हिस्सा बनने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। ये सेशन यही समाप्त होता है और इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।